नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पीएफएमएस का जो अपडेट है, अप्रैल महीना में पीएफएमएस का तरफ से अपडेट नहीं आ रहे। काफ़ी सारा किसान बहुत परेशान था, लेकिन दोस्तों ये फाइनली जो इंतजार है, फाइनली जो अपडेट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पीएफएमएस का अपडेट ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पीएफएमएस का अपडेट कैसे चेक करें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पीएफएमएस का रिजेक्ट का प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे करना होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने जो भी स्क्रीनशॉट मैंने आप सभी को इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए 27 अप्रैल 2023 में किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पीएफएमएस रेस्पॉन्स मिला है और इसमें देखिए लाइव स्टेटस का जगह भी पीएफएमएस एक्सेप्ट है। ये जो किसान है ये किसान को अभी इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह किसानों को इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, जो रुका हुआ इंस्टॉलमेंट है ये भी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप कीजिए एंड तक देखिएगा, उसके बाद ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएफएमएस का लाइव स्टेटस को चेक करना होगा। दोस्तों पीएफएमएस का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट ये पेज पर आना होगा। ये पेज पर आने के बाद ये जो चार्ज बार का ऑप्शन है उसी पे टच करना होगा। उसके बाद राइट साइड में जो पेन जैसा ऑप्शन है उसी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पीएफएमएस का लाइव जो स्टेटस है एडिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्टार है स्टार को हटाना होगा। स्टार को हटाने के बाद ये स्टार के जगह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करने के बाद आपको चार्ज करना होगा। चार्ज करने के बाद आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर अंदर जो भी पीएफएमएस का लाइव स्टेटस होगा अपडेट हो जाएगा। दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का जो पीएफएमएस का ट्रांसफर हुआ था, देखिए 26 अप्रैल 2023, उसके बाद वेरिफिकेशन भी 26 अप्रैल 2023, उसके बाद तो रेस्पॉन्स भी मिल चुका है 26 अप्रैल 2023। दोस्तों जिन किसान का 26, 25 और 27 अप्रैल में पेंडिंग है उसी तरह किसान को मैंने बताया था 27 तारीख से लेकर 28, 29, 30 तारीख के अंदर पीएफएमएस का तरफ से 100% वेरिफिकेशन होगा और 100% रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप का स्टेटस पर अपडेट नहीं हुआ उसके बाद भी आप वीडियो का अंत तक देखिएगा। अगर आपको स्टेटस पर एक्सेप्ट हो चुका है उसके बाद आपको पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है, बेनिफिशियरी स्टेटस को आपको ओपन करना होगा। दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करने के लिए आपको पीएम किसान का जो भी पोर्टल है पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर आने के बाद आपको सिंपली नीचे तरफ जाना होगा। नीचे तरफ आने के बाद ये जो फार्मर कॉर्नर करके लिखा हो रहा है, ये फार्मर कॉर्नर पर आके ये जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसी पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको जानकारियां डाल के आपको गेट डाटा में क्लिक करके बेनिफिशियरी स्टेटस को निकालना होगा। दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करने के बाद आपको फॉलो करना होगा केवाईसी से लेकर लैंड सेटिंग। दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का सब कुछ ओके है, अकाउंट नंबर की जगह भी एनए आ चुका है और इसमें देखिए फार्मर रिकॉर्ड भी हैज बीन एक्सेप्ट हो चुका है और एक्सेप्ट का रेस्पॉन्स डेट इसमें क्या बता रहा है, देखिए 27 अप्रैल 2023। दोस्तों अभी सवाल आता है जिन किसान का पीएफएमएस की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिला है उसी तरह किसानों को पीएफएमएस की तरफ से रेस्पॉन्स कब आएगी। दोस्तों पीएफएमएस की तरफ से आज भी पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट होगा और जो आपको 30 अप्रैल तक पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट होगा और मे का फर्स्ट वीक तक पीएफएमएस की तरफ से वेरिफिकेशन जारी रहेगा। तो दोस्तों अभी सवाल आता है ये जो किसान है, ये किसान ने पीएफएमएस को सही कैसे किया है। तो दोस्तों जिन किसान का पीएफएमएस की तरफ से सही रिप्लाई नहीं आ रहा है उसी तरह किसानों को क्या करना होगा, डीबीटी बैंक से लिंक सही से करना होगा। उसके बाद डीबीटी लिंक का जो स्टेटस है ये भी चेक करना होगा। अगर डीबीटी किया हुआ डेट का हिसाब से आपका पीएफएमएस सेंड किया हुआ डेट मैच कर रहा है, यानी कि दोस्तों पहले से आपने डीबीटी करके रखा है तो आप वेट कीजिएगा। अगर आपने सेंड होने से बाद डीबीटी किया है तो दोस्तों आप नेक्स्ट टाइम जब वेरिफिकेशन होगा तब भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पीएफएमएस का सोल्यूशन करने के लिए आपको सिर्फ सही से डीबीटी करना होगा, उसके अलावा दूसरे कोई काम नहीं करना है। अगर आपको पीएफएमएस की तरफ से डीबीटी करने के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है आप लोग मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका स्टेटस को सेंड कीजिएगा, शायद तो मुझे कॉल भी कीजिएगा, आपको गाइड देने के लिए हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगा। अभी बात करते हैं जिस किसान का मतलब पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट हो चुका है उसी तरह किसान का रुका हुआ इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा। दोस्तों रुका हुआ जो इंस्टॉलमेंट चेक करने के लिए आपको नीचे तरफ आना होगा। नीचे देखिए ये किसान को 1 से लेकर 5 नंबर का इंस्टॉलमेंट कंप्लीटली मिल चुका है। उसके बाद देखिए 6 से लेकर 10 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट मिल चुका है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट मिल चुका है। दोस्तों अभी देखिए ये किसान का सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट इसमें रुका हुआ है। तो दोस्तों ये जो इंस्टॉलमेंट है किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से कब मिलेगा, दोस्तों 30 अप्रैल 30 अप्रैल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से रुका हुआ पैसा आने का चांसेस है। लेकिन जिन किसान का अभी अभी पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट हुआ है उसी तरह किसानों को नहीं मिलेगा। जिस किसान का मार्च का 30 यानी कि 29 को एक्सेप्ट हुआ है उसी तरह किसानों को मिलने का चांसेस है। अगर आपको नहीं मिलेगा उसके बाद भी मैसेज करिएगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ मिल जाएगा।
अगर आपको मिल चुका है तो दोस्तों आप लोग मैसेज करके जरूर मैसेज कीजिएगा। और दोस्तों डायरेक्टली बात है, ये किसान को इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी होगा तब भी ये किसान को पैसा मिलेगा। उससे पहले ये किसान को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है और इंतजार करना है। तो दोस्तों चैनल पर पहले बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अपडेट चाहिए यानी कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसी टॉपिक का ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ये 100% श्योर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना ही तक है। जय हिंद, जय भारत।